आज यूपीआरएमएस के बैनर तले हम लोग सरकार के विरोध के अंदर की ये रैली निकाली है, और रैली का मुद्दे सरकार के समक्ष विरोध प्रदर्शन करना है कि सरकार ने जो रेलवे का निजीकरण और निगमीकरण करने के लिए जो 100 पॉइंट का एजेंडा जारी किया है उसके विरोध में हम लोग हैं। मोदी सरकार जब विपक्ष में थी तब उसने नारा दिया था कि हम देश को झुकने नहीं देंगे, बिकने नहीं देंगे, और मोदी सरकार जब सत्ता में आ गई है तो उसने देश को बेचने का काम प्रारंभ कर दिया है, और इसके प्रारंभ की जो रफ्तार है वो कांग्रेस की रफ्तार से भी कई गुना आगे निकल गई। ये तो कांग्रेस ने कभी रेलवे का निजीकरण या निगमीकरण करने का प्रस्ताव कभी पारित नहीं किया, और इस सरकार ने सेकेंड टेनर आते ही 100 पॉइंट एजेंडे के अंदर रेलवे को बेचने के लिए निगमीकरण की एक प्रक्रिया प्रारंभ कर दी, और उसी के तहत हम लोगों ने इसका विरोध प्रदर्शन चालू कर दिया। सरकार इसके दबाव में आई हमारे साथ में, और इसने अभी वाराणसी में जाकर मोदी सर ने एक स्टेटमेंट दिया कि हम रेलवे को बिकने नहीं देंगे। लेकिन मोदी का यह जो रवैया है वो दोधारी तलवार के समान है। एक तरफ बोलता है कि हम रेलवे को बेचेंगे नहीं, और दूसरी तरफ उसने 100 पॉइंट का एजेंडा जारी किया जिसके अंदर 100 दिन के अंदर अंदर उनको प्रस्ताव पारित करने कि सर रेलवे के जो प्रोडक्शन यूनिट है उनको निगमीकरण के तहत रेलवे से बाहर करने का प्रस्ताव है। दूसरा प्रस्ताव उन्होंने ये दिया है कि रेलवे ट्रैक के ऊपर गाड़ियाँ प्राइवेट सेक्टर चलाएगा, अडानी चलाएगा, अंबानी चलाएगा। तो ये प्रस्ताव उनके देने के कारण से रेलवे के जो कर्मचारी रेलों पर काम कर रहे हैं वो सब रोड की ओर आ जाएंगे, उनकी रेलवे की नौकरी छिन जाएगी। इसके विरोध में हम लोगों ने ये रैली निकाली है, और इसका रैली का मुख्य उद्देश्य सरकार के विरोध में हमको प्रदर्शन करना है। नाम बताइए। शशि कुमार महावर, मंडल मंत्री, UPRMS अजमेर।